नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राहुल दा द श्राउंड में, जहां मैं आपके लिए फाइनेंस, फिटनेस और टेबल से रिलेटेड जानकारियां लाता रहूंगा। आज का हमारा टॉपिक है सिबिल, सिबिल रिपोर्ट, सिबिल स्कोर क्या होता है। हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सिबिल स्कोर, सिबिल रिपोर्ट क्या होती है। सिबिल स्कोर किसी ग्राहक के क्रेडिट हिस्ट्री का 3 अंकों का स्कोर होता है जो 300 से 900 के बीच होता है। सिबिल रिपोर्ट में होता क्या है। सिबिल रिपोर्ट में किसी ग्राहक के क्रेडिट हिस्ट्री की जानकारी होती है, यानी उसने कितने लोन ले रखे हैं, उसके कितने बैंकों में लोन चल रहे हैं, उसके उसने कौन कौन से लोन ले रखे हैं, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन, उसके जो लोन ले रखे हैं उसके रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है, उसने लोन चुकाने में कोई देरी तो नहीं कर रखी है। अगर उसने कोई लोन चुकाने में देरी कर रखी है तो वो पीरियड भी उसमें दिया होता है, जिसको ओवरड्यू पीरियड कहते हैं। इसमें ग्राहक के क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट के पेमेंट स्टेटस का भी पता चलता है, यानी उसने अपने पेमेंट, अपने मासिक किस्त देने में कोई विलंब किया है, विलंब जिसको ओवरड्यू पीरियड भी कहते हैं, इसका स्टेटस पता चलता है। सिबिल से किसी ग्राहक के डिफॉल्ट स्टेटस भी पता चलता है। अगर किसी ग्राहक ने कोई लोन ले रखा है और वो काफ़ी समय तक नहीं चुकाया और उसको उसने सेटलमेंट करा के बंद कर दिया है, तो उस चीज़ का भी हमें सिबिल रिपोर्ट से पता चलता है। तो सिबिल रिपोर्ट में सेटलमेंट करके वो अकाउंट दिखता है। अब हम बात करते हैं सिबिल स्कोर की रेंज क्या होती है। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है, जहाँ 650 और 650 से ऊपर का स्कोर अच्छा समझा जाता है और 650 से नीचे का स्कोर अच्छा नहीं समझा जाता है, और 750 से ऊपर के स्कोर बहुत ही अच्छा समझा जाता है। यानी किसी ग्राहक का 750 या उससे ऊपर का स्कोर है तो उसका स्कोर बहुत अच्छा है और उस ग्राहक की रिपेमेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मतलब वो अपने लोन की किस्त समय पर चुका रहा है। अब कभी कभी सिबिल रिपोर्ट में -1 भी देखने को मिल जाता है स्कोर की जगह, जो 300 से 900 के बताया था मैंने, सिबिल स्कोर कभी कभी -1 भी आता है, जिसका मतलब ये होता है कि उस ग्राहक की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, यानी कि उसने कोई लोन, या तो हो सकता है उसने कोई लोन नहीं ले रखा हो, या हो सकता है उसने बहुत पहले कोई लोन ले रखा हो जिसका सिबिल के पास अपडेट नहीं हुआ है, या हो सकता है कि उसने अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले लोन ले रखा है जो कि सिबिल को अपडेट नहीं हुआ है। कभी कभी सिबिल में NA और NH भी देखने को मिल जाता है। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल और NH का मतलब होता है नो हिस्ट्री अवेलेबल। तो इसका भी मतलब यही होता है कि सिबिल के पास उस ग्राहक की क्रेडिट हिस्ट्री की कोई जानकारी नहीं है। हम बात करते हैं कि सिबिल स्कोर कितना महत्वपूर्ण है लोन लेने के लिए। दोस्तों, अगर कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर या कोई भी व्यक्ति बैंक में लोन लेने जाता है, बैंक या फाइनेंशियल कंपनी NBFC में लोन लेने जाता है, तो सबसे पहले उसका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, सबसे पहले उसका सिबिल स्कोर निकाला जाता है। अगर सिबिल स्कोर उसका अच्छा होता है, 650 या उससे ऊपर होता है, तो उसके लोन की प्रक्रिया, लोन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। और अगर इसका सिबिल स्कोर कम होता है तो हो सकता है उसका लोन रिजेक्ट भी हो जाए, हो सकता है, क्योंकि सभी बैंकों का अलग अलग, सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो अगर किसी ग्राहक का सिबिल स्कोर कम है तो हो सकता है उसका लोन रिजेक्ट भी हो जाए। अब हम बात करते हैं कि किसी ग्राहक का अगर सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, 650 या उससे ऊपर है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको लोन मिल जाए, क्योंकि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने के लिए सिबिल स्कोर एक अकेला क्राइटेरिया नहीं होता है, बहुत से क्राइटेरिया होते हैं लोन देने के लिए। तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहिएगा कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आपका लोन बैंक से अप्रूव हो जाएगा, सेंक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सिबिल स्कोर का निर्धारण कैसे किया जाता है, सिबिल स्कोर कैसे निर्धारण किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर कोई ग्राहक, कोई कस्टमर बार बार किसी बैंक, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूट में जाके अपना सिबिल स्कोर चेक कराता है लोन लेने के लिए, बार बार अपना सिबिल स्कोर चेक कराता है, तो उससे इसके सिबिल डाउन होती है, सिबिल स्कोर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा पॉइंट है कि लोन की मासिक किस्त समय पर भर रहे हैं या समय से नहीं भर रहे हैं, लोन की मासिक किस्त भरने में विलंब कर रहे हैं, तो आपके सिबिल स्कोर पर प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है, इसलिए आप अपने लोन की मासिक किस्त समय पर भरें। तीसरा आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या होता है, माना किसी ग्राहक ने कोई क्रेडिट लिमिट ले रखी है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड ले रखा है जिसकी लिमिट 5 लाख है,
वह ग्राहक उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है 5 लाख, उस लिमिट में से 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख यूटिलाइज कर लेता है, पूरी की पूरी 5 लाख क्रेडिट लिमिट यूटिलाइज कर लेता है, तो इससे भी सिविल स्कोर पर प्रभाव पड़ता है। चौथा है दोस्तों क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स क्या होता है? क्रेडिट मिक्स का मतलब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? सिक्योर्ड लोन वो जिसमें बैंक सिक्योरिटी लेता है, जैसे हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन। हाउसिंग लोन में घर मॉर्गेज होता है और व्हीकल लोन में व्हीकल हाइपोथेकेट होता है। और अनसिक्योर्ड लोन वे लोन होते हैं जिनमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है। तो अगर किसी ग्राहक ने ये दोनों तरह के लोन ले रखे हैं तो इससे उसके सिविल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने सिविल को कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न और पॉइंट यही है कि आप अपने लोन की मासिक किस्त, मंथली ईएमआई समय पर भरें। अगर आपने अपने लोन की किस्त, मासिक ईएमआई को भरने में डिले किया, थोड़ा सा भी डिले किया, तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो सकता है। इसलिए आप अपने लोन की मासिक किस्त समय पर भरें। दूसरा कारण है, दूसरा पॉइंट है कि आपने किसी के लोन अकाउंट में गारंटी दे रखी है, तो आप उस जिसके में भी आपने गारंटी दे रखी है उसके लोन अकाउंट पर आप निगरानी रखें कि वो आपकी कि वो अपने लोन की किस्त समय पर भर रहा है या नहीं भर रहा है। अगर वो अपनी लोन की किस्त समय पर नहीं भर रहा है तो उससे आपके सिविल स्कोर पर भी प्रभाव पड़ेगा। उसका सिविल स्कोर तो डाउन होगा ही, उसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी डाउन होगा। तो अगर आपने किसी के लोन में गारंटी दे रखी है तो उसके लोन के ऊपर भी आपको निगरानी रखनी होगी कि वो समय पर अपनी किस्त दे रहा है या नहीं। तीसरा है, अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट लोन का कोई ज्वाइंट अकाउंट खोल रखा है तो आपका जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है उसके लोन पर आपको निगरानी रखनी होगी कि वो अपने लोन की मासिक किस्त समय पर भर रहा है या नहीं भर रहा है। अगर वो लोन की किस्त मासिक किस्त समय पर नहीं भर रहा है तो हो सकता है उसके सिविल के साथ आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो। हो सकता है नहीं, आपका सिविल स्कोर उसके साथ डाउन ही होगा। दूसरा पॉइंट है, अगर आपने आपका कोई ज्वाइंट लोन अकाउंट चल रहा है तो आप ज्वाइंट लोन अकाउंट होल्डर पर निगरानी रखें कि उसके उस ज्वाइंट अकाउंट होल्डर ने कोई लोन अकाउंट ले रखा है और उसकी किस्त वो समय पर भर रहा है या नहीं भर रहा है। तो उस ज्वाइंट अकाउंट होल्डर पर आप निगरानी रखें। अगर वो अपनी मासिक के समय पर नहीं भर रहा है तो उसकी सिविल के साथ साथ आपकी सिविल भी डाउन होगी। दोस्तों खत्म करता हूँ, मैं सिविल पर अपने एक दो वीडियो और बनाऊंगा क्योंकि अभी सिविल से रिलेटेड और भी टॉपिक रह गए हैं, तो मैं आगे और भी सिविल से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और सिविल से रिलेटेड और कोई जानकारी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।